जालौन के उरई में सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई, जहां कोचिंग पढ़ने जा रहे एक नाबालिग छात्रा को युवक ने जबरन अगवा कर उसके साथ मारपीट करते हुए शादी का दबाव बनाया और छात्रा के शोर मचाने पर सिरफिरे आशिक ने छात्रा को सड़क पर फेंक कर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने घटना की जानकारी परिजनों के साथ मिलकर उरई कोतवाली में दी, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल सिरफिरे आशिक को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सुबह पढ़ने के लिए कोचिंग जा रही थी, मेरे दादी ने मुझे छोड़ा और यहाँ पे वहाँ पर ये शाहरुख लड़का आके जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी में लेके गया और मुझे मारपीट करने लगा। फिर इसके घर से जब फोन आने लगा, इसने मुझे करसान रोड पे धक्का मार के नीचे गिरा दिया और मारते हुए कह रहा जान से मार देंगे तुम्हारे घर वालों को तुमको, और मुझे मार के चला गया छोड़ के। लड़की को आप पहले से जानती थी या नहीं? सर मैं पहले से जानती थी। साथ में पढ़ता था या पड़ोसी है? नहीं, पड़ोसी मेरे मोहल्ले में रहता था। हमारे बिटिया के साथ अभी हम सुबह, हम तो हिंदुस्तान लीवर में काम करते हैं, तो हमारे पापा जो हैं बिटिया को छोड़ने कोचिंग जाते हैं कैरियर पॉइंट, तो वहाँ पे छोड़ने गए, छोड़ के वापस लौट के आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल 1 किलोमीटर निकले होंगे वापस घर के लिए। तब तक बिटिया के सर का फोन आया कि कोई लड़का फोर व्हीलर से आया, उसको गाली गलौज किया, बहुत गाली देते हुए और गाड़ी में उसको बैठा के खींच के जबरदस्ती धक्का मार के गाड़ी में डाला, इसके बाद लेके चला गया। कहाँ ले गया हमारे यहाँ, जब तुरंत हमें फ़ोन मिला तो हम जैसे ही आए घर से तो हमने फिर सर से पूछा, बोले बोले जिला परिषद की तरफ निकल गए। तो फिर हम लोग जिला परिषद के पीछे किए तो पीछा करते हुए तो देखा तो वहाँ नहीं दिखाई दिए, तो फिर हमने कि कहाँ गया था अभी, तो फिर हमने अपने भाई को फ़ोन किया तो मेरे हमने अपने भाई से कहा उसको घर पे जाके देखो, तो कहाँ मिली आपकी बिटिया? हाँ, तो वो घर पे उसके लड़के के घर पे देखने गया, उसका नाम शाहरुख, पर पता चला कि कोई शाहरुख शाहरुख करके था, तो अपने भाई को फ़ोन लगाया तो उसके घर पर गया पता किया तो वो घर पर नहीं था। फिर हम तो कोंच रोड आ रहे थे, कोंच रोड से आए तो हमारी बिटिया वहीं पर रोड पर किनारे डली हुई थी, उसको धक्का मार के गिरा दिया। फिर हमने उससे पूछा तो उसने पूरी बात बताई, तो फिर हमने इधर पुलिस कोतवाली आए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिख के दी और कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोला। पकड़ा गया आरोपी? पकड़ा गया है और उसको पकड़ के ले आए थे, मेरा छोटा भाई भी पकड़ के लाया है। देखिए, थाना उरई कोतवाली क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं प्रकरण और संज्ञान में आया है, पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए जो है तहरीर प्राप्त की गई है और मुकदमा लिखा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सत्यता आरोप में सत्यता पाते हुए अगर जानकारी सत्य पाई जाती है तो अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी और उसके तहत गिरफ्तारी भी की जाएगी।